फिल्मों के स्टंटमैन से फेमस डायरेक्टर बने रोहित शेट्टी आज मना रहे हैं अपना बर्थडे। आइए जानते हैं रोहित शेट्टी के जलवे के बारे में आज उनके खास दिन के मौके पर। फिल्मों के स्टंटमैन से फेमस डायरेक्टर बने रोहित शेट्टी आज अपना बर्थडे मना रहे हैं। शायद ही लोग ये नहीं जानते होंगे कि रोहित शेट्टी ने कितनी कड़ी मेहनत करके सफलता हासिल की है। फिल्मों में एक अलग जॉनर लेकर आना और उसमें सफलता काफी कम लोग ही हासिल कर पाते हैं। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की आत्मा अब भी कमर्शियल मास मेनस्ट्रीम जॉनर में बसती है, जिसे क्रैक करना हमेशा से सबसे डिफिकल्ट रहा है। रोहित शेट्टी हिंदी सिनेमा ने उन बहुत ही दुर्लभ डायरेक्टर्स में से एक हैं, जिन्हें यह बहुत फेमस और बेहद ही ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड जॉनर मिला है। अपनी कॉमेडी फ्रेंचाइजी गोलमाल और वोल्टेज मास एक्शन कॉप यूनिवर्स के साथ रोहित ने खुद को देश के सबसे भरोसेमंद डायरेक्टर्स में से एक के रूप में पहचान बनाई। मनमोहन देसाई जैसे दिग्गजों के युग के खत्म होने के बाद रोहित शेट्टी ब्रांड बने फिल्मों के। और अगर बात करें तो रोहित शेट्टी ने 17 साल की उम्र में एक असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में फिल्मों में एंट्री की थी। हिटमेकर 1991 में रिलीज हुई फिल्म फूल और कांटे में निर्देशक कुकू कोहली के डायरेक्टर के साथ उन्होंने असिस्ट किया था। दिलचस्प बात यह है कि रोहित शेट्टी ने अजय देवगन के साथ अच्छी दोस्ती की, जिन्होंने फिल्मों के साथ साथ अपने एक्टिंग की भी करियर की शुरुआत कर डाली और यह दोस्ती एक्टर और डायरेक्टर की बेमिसाल जोड़ी कायम कर चुकी है। बाद में रोहित शेट्टी अपने गुरु कुकू कोहली के साथ ही रिलीज हुई फिल्म सुहाग में एक बार फिर आए, जिसमें अजय देवगन और अक्षय कुमार थे। और साथ ही साथ उन्होंने फिल्म में अक्षय के लिए एक बॉडी डबल और स्टंट कलाकार के रूप में भी काम किया। इसी के साथ डे बाय डे रोहित शेट्टी की पहचान बनती ही गई। साथ ही साथ 2003 में अपने निर्देशन की शुरुआत करने से पहले रोहित शेट्टी ने अपने करियर के दौरान अजय देवगन के साथ एक मजबूत दोस्ती बनाई और दोनों हमेशा से एक साथ रहे। उन्होंने 2008 में रविवार के साथ फिल्मों में वापसी की। रहस्य कॉमेडी फिल्म जिसमें अजय देवगन, इरफान खान और कई मुख्य भूमिकाओं में कई कलाकार शामिल थे। और ऐसे ऐसे करके रोहित शेट्टी एक आज के दुनिया में एक बहुत बड़े नाम है। अपने डायरेक्शन से लेकर अपने पॉपुलर रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी को लेकर भी जाने जाते हैं। तो रोहित शेट्टी के आज बर्थडे के मौके पर हमने जाने उनके एक से बढ़कर एक जलवों के बारे में। फिलहाल आज उनके बर्थडे के मौके पर हमारी पूरी टीम की तरफ से मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। लेकिन आप सब भी अपने ब्लेसिंग्स और विशेस भेजना बिल्कुल ना भूलें कमेंट करके।